हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा ट्राई किया जाए बच्चों के लिए, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी की जो है अलवीरा, उनकी तबीयत ठीक हो गई है, तो उनके मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने सोचा चले उनके लिए टिक्के बनाते हैं। तो ये मैं जो है पाँच जो है मैं ये टिक्के के पीस लेके आई हूँ। अब मैं इनको मैरिनेट करूँगी, और अब मैं ये फाइव पीस लाई हूँ टिक्के के, और अब मैं इनको मैरिनेट करूँगी मसाला लगा के, फिर इनको मैं बनाऊँगी ताकि बच्चियों का भी थोड़ा चेंज हो जाए, बड़ी बेटी का भी मुँह का जायका चेंज हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से बेचारी मेडिसिन खा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ थोड़ी सी ये अपनी रेसिपी, वैसे तो सबको ही बनाने आता है, बस व्लॉग बनाने का ये बहाना है, तो आपसे शेयर किया जाए। तो चले हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले इसके अंदर मैं लेमन छिड़कूँगी, ये इसके अंदर मैंने लेमन अच्छी तरह से, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और ये कि चिकन गल भी जाती है थोड़ा सा इनसे, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने इसके अंदर दो लेमन जो है वो निचोड़ दिए हैं। बीज जो है इसके मैं अभी ऊपर से उठा लूँगी। इसको मैं कर दिया है। अब इसमें मैं पहले एक शान का जो है देखे शान का टिक्का मसाला डालूंगी। वैसे तो घर के मसाले के ही बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आपको पता है बच्चों को तो जायके लग जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बने, तो शान के ज़्यादा पसंद आते हैं उनको। तो मैं चिकन टिक्का मसाला लाई हूँ शान का, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। हाथों से इसलिए लगाऊंगी कि अच्छी तरह जो लग जाता है। बस अब इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा और ये स्पाइसी हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ी सी इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें, कि ये थोड़ा स्पाइस चीज़ में स्पाइस बढ़ जाए, तो ये है कि मज़ा आता है इसको खाने में। तो ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्पाइस और ऐड कर लिया है, लाल पिसी हुई मिर्ची, और इसको अब थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर टेस्ट और अच्छा आ जाए। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं सिरका डालूँगी कि गल भी जाएगा आराम से। विनेगर डालूँगी थोड़ा सा कि अच्छी तरह ही गल जाए। अब इसको मैं एक घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दूंगी, फिर उसके बाद इसको हम बहुत हल्की फ्लेम पे जो है इसको बनाएंगे। इसके अंदर जो है कट मारना भूल गई थी, कट ज़रा से मार देते हैं ना अगर बीच में, तो ये होता है कि जो मसाला होता है ना वो अंदर आसानी से चला जाता है, तो ये ज़रा से मैं कट मारना भूल गई थी। तो मैंने कहा आपको बता दूँ ये कि कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे से आप अगर कट मार लेंगे तो जो है मसाला जो है वो अंदर पूरी तरह उतर जाएगा। बस छोड़ दो, ये अब इसके अंदर कट पड़ चुके हैं, अब मसाला अंदर इनके चला जाएगा। फिर एक घंटे रखूँगी मैं इनको ताकि मसाला अंदर अच्छी तरह चले जाए, फिर इसको बनाएंगे। देखिए हम जैसे एक घंटा हो गया इनको मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था, और ये अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, और कट भी लगा दिए थे मैंने इनके अंदर। अब ये देखिए मैंने पैन में मैंने ऑयल जो है देखिए गर्म कर लिया है, और अब इसमें ये लेके ना इनको वन बाय वन, और इनको बहुत हल्की आँच पर जो है वो ये देखिए इसके अंदर ताकि आहिस्ता दो करके मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा पैन बड़ा है तो ये है कि ये आराम से हो जाएंगे। वैसे तो सीखों पे भी हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त सीखें अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि चले यूज़ कर लें, बच्चियाँ भी खुश हो जाएंगी, और नबिया और अबिया को तो बहुत ही पसंद है इस तरह की चीज़ें, और अलवीरा का भी टेस्ट चेंज हो जाएगा। बस इसको हल्की आँच पर रख देते, फिर जब ये कुक हो जाएंगे तो फिर आपको दिखा दिए क्या कि कलर चेंज होने लगा है, और ये बहुत अच्छे कुक हो रहे हैं। लाइक करो ना,
देखिए अभी कितने अच्छे कुक हो रहे हैं, कलर बिल्कुल इनका चेंज हो रहा है। देखिए आप, अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे मैंने जो है वो टिक्कों के अंदर मसाला लगा के उनको मैरिनेट करने रख दिया था, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि उसके साथ साइड में भी कुछ होना चाहिए, तो मैं ये है कि सिंपल सी बच्चों के लिए फरहरी खिचड़ी बना रही हूँ, तो मैंने कहा वो भी ऐड कर दूँ। असल में बनाना तो आप सबको सब कुछ आता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये मर्चेंट नेवी शेफ़ वकार का व्लॉग है और वो शेफ़ हैं, तो मैं उनकी वीडियो को जब वो व्लॉगिंग नहीं कर रहे होते तो कम वो करने के लिए फिर खाने की रेसिपी भी डालती रहती हूँ, ताकि लोगों को याद रहे कि ये मर्चेंट नेवी सीमन वकार जो है वो शेफ़ है जहाज़ पे। और तो इसलिए मैंने कहा चले आपके साथ सिंपल खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर लें, क्योंकि बहुत से लोग जो है ऐसा जो है पैन में ऑयल डाल दिया है और ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। तो अभी आज मेरी मेरे हस्बैंड से बात हुई थी, उनका ऑयल टैंकर है तो वो जो है जहाज़ जो है समंदर में ही खड़ा हुआ है, ज़्यादातर ये जहाज़ जो है वो समंदर में रुका हुआ होता है, बीच समंदर में, क्योंकि ऑयल टैंकर है तो वो दूसरे जहाज़ों को जो है वो तेल दे रहा होता है, और ये है कि दूसरे कंट्रीज से जो है वो तेल लेके आ रहा होता है, तो ऑयल टैंकर जो है वो समंदर के बीच में ही खड़ा रहता है। तो इसलिए उनको जो है व्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का वो भी नहीं मिल रहा, कुछ कॉन्टेंट भी नहीं मिल रहा, और प्लस ये कि नेट का भी इशू है। तो आज मेरी उनसे बात हुई थी और उनका जहाज़ रशिया जा रहा है, तो ये इस दफ़ा ऑयल टैंकर है, इस वजह से थोड़ा मसला है, वरना बल्कर और कैरियर बल्कर और जो आई थिंक वो कंटेनर होता है उस पर ही होता है कि आसानी से वीडियो भी बन जाती है। पोर्ट पे जहाज रुकते हैं तो ये लोग भी थोड़ी आउटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस पर जब से वो गए हैं अगस्त से, समझे वो जहाज़ पर ही हैं, उस कहीं उतरे ही नहीं। तो ये क्योंकि देखिए साथ साथ बातें भी करते रहते हैं। अब ये देखिए आप, ब्राउन होने के लिए इसको मैंने लाइट ब्राउन करने के लिए इसको रख दिया है, तो ये बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर में ये लहसुन है और ये बड़ी इलायची और ये तेज़पत्ता है, ये डालूंगी। ये लहसुन मैं इधर डालती हूँ क्योंकि मुझे लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल के इसको भूनूंगी। और इसके बाद इसके अंदर ये तेज़पत्ता और ये सब तेज़पत्ता और बड़ी इलायची डालूंगी, गरम मसाला डाल देते तो खिचड़ी का जो मज़ा होता है बड़ा दुबला हो जाता है और ये बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। उसको थोड़ा सा हम लोग पकाएंगे, ये देखिए आप। अब इसके अंदर खिचड़ी के लिए चावल और दाल को धो के मिला दिया है और अब ये सिंपल इजी बहुत है, आप सबको ही बनाने आती होगी और मुझसे अच्छी आती होगी, लेकिन बस ये कि छोटा सा मैंने कहा व्लॉग है, आपके साथ शेयर करूँ, कुछ देर आपसे बातें करूँ। थोड़ी देर इसको ऊपर नीचे करेंगे हम लोग ताकि जो लहसुन का टेस्ट है वो उसके अंदर आ जाए, और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और नमक। बस इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। फरहरी खिचड़ी होती है ये बिल्कुल भगारी भगारी सी, और ये कि इसमें पानी का पहले कमी डालती हूँ मैं, और अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। अभी मैं आज गई थी नबिया अबिया के साथ, पहले सामान लेके आई, क्योंकि जब हमें रोज़ पकाना जो होता है, वैसे तो मैं हफ्ते के हफ्ते लेके आ जाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एकदम से कोई मेहमान आ गए या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैं नबिया और अबिया को अपने साथ लेके जाती हूँ और लेके आती हूँ, क्योंकि पकाने का डेली का ही कुछ ना कुछ लगा रहता है, ज़ाहिर है बच्चों की मर्ज़ी का। तो अभी मैं मार्केट से ही आई थी सामान लेके, अभी मैं उनके लिए टिक्के लेके आई थी, फिर मैंने कहा उसके साथ कुछ और भी बनाया जाए। तो अब ये खिचड़ी को जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया है, इसको मैं हल्की रख दूँगी हल्की आँच पे। तो फ्रेंड ये तैयार हो गया है, क्लोज करो, ये तैयार हो गया है हमारा टिक्का बिल्कुल, और बहुत अच्छा बना है, बड़ा अच्छा कलर है, और ये सिंपल सी हमारी सादी सी फरहरी खिचड़ी है। रूटीन का व्लॉग आपके साथ शेयर किया, जो आज बनाया वो आपके साथ शेयर कर दिया, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अलवीरा वो भी खुश हो जाएंगे, उनके मुँह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।